एक रात की बात है, तू मेरे बहू को प्रेग्नेंट कर दे बस, बाकी तेरे से और कुछ नहीं मांग रहे हम। एक रात की बात है, तूने एक रात उसके साथ अगर कुछ कर लेगा तो तेरा क्या जाता है, करना पड़ेगा। हाथ लगा रही उनको क्यों, क्या दिक्कत हो गई, क्या दिक्कत हो गई, क्या होता है, क्या दिक्कत, मेरे पति पे हाथ कैसे उठा रही हो, क्या कर रहे हैं तुम्हारे, गलत क्या कर रहे हो, दूसरे पति के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए, वो गलत नहीं है, वो मेरे पति को तुम्हारे साथ सोने के लिए कह दिया, मैं उनके चेक करूंगी, उनके अरे करूंगी मैं, तो कितना दिन सोना है एक ही रात के लिए, तो बोल रही हूँ मैं। सो हेलो व्हाट्सएप गाइज, कैसे हो आप सब, मैं हूँ ताज कुमार सिंह वीडियो के साथ। तो गाइज आज हमारे साथ है मुकुल भाई और ये है इनकी बीवी, और मुकुल भाई के साथ एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम, एक्चुअली कुछ लोग हैं, मतलब एक औरत है जो इन्हें परेशान कर रही है। भाई एक बार खुल के बताओ क्या बात है, क्यों परेशान हो इतना? भैया मैं मारे परेशान हूँ, मैं अपना लेबर मजबूरी काम करता था, मैं ईटा बजड़ी सब कुछ करा मैं अपनी भी बच्चों के लिए, फिर अचानक से मेरे पास में भैया एक ऑफर आया जॉब के लिए, डिलीवरी के लिए, तो मैं वहाँ पे गया, बातचीत करी, इंटरव्यू वगैरह दिया, गाड़ी उड़ी चलाने लगा, तो कुछ दिन अच्छे से गाड़ी चलाने लगा, तो उनके मैडम के घर में उनकी बहू है, तो वो मेरे साथ में कभी ऑफिस वगैरह जाती है, तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो मेरे साथ में आगे सीट पर बैठी, तो मेरे साथ में गलत बिहेव करने लगी, मेरा हाथ बूत पकड़ने लगी, मैं मतलब इतना वो हो गया था कि मुझे खुद से शर्म आ रही थी कि मैं, मेरी फैमिली है, मेरी बीवी बच्चे हैं, मैंने उनको ही बोला, मैंने कि मैडम औरत हो करके उसको उसको उस औरत को इतनी शर्म नहीं है, बताओ। तो मतलब आप किसी के घर पे काम करने लगे थे? मैं किसी के यहाँ पे काम, पहले लेबरगिरी करते थे, फिर गाड़ी चलाने आते गाँव में, गाड़ी चला लेते थे, ट्रैक्टर वगैरह। अच्छा, उसके बाद इनको बोला मेरे को कि तो मतलब उस घर की बहू आपके साथ गलत कर रही थी? हाँ, उनके घर की बहू तीन दिन पहले ही बताया है। अच्छा, उसके बाद? फिर उसके बाद में मैंने उनके सास से भी बोलने की कोशिश करी, मैंने उनसे बोला, मैंने नोटिस करा, मैंने कि चलो मैं एक बार मैं बताऊंगा, फिर मेरे को बीच में टाइम नहीं मिलता रहा, मैं उनके साथ में जाते रहा, मार्केट वगैरह हर जगह काम होते रहता, मैं जाने लगा, तो मैंने भैया उनकी सास से बोला, मैंने कि मैम ऐसी ऐसी बात है और आपकी बहू मेरे साथ ऐसा गंदा बिहेव कर रही है, तो उनकी माँ भी बोलती थी, उनकी माँ बोलती है तो क्या हुआ, क्या दिक्कत है, अच्छी बात है तेरे को वो कर रही है तो तेरे को और भी अच्छी बात है, अच्छी बात है, तेरे को 1 लाख रुपए और देने के लिए तैयार है, तो वो सास है पैसे देने के, मतलब किस चीज के लिए 1 लाख रुपए दे रही है वो कह रही है कि रिलेशनशिप बनाने के लिए, भैया मेरी बहू के साथ में रिलेशनशिप करो, उनको प्रेगनेंट करो, मेरे को बच्चा चाहिए, मैं ये सब नहीं कर सकता ना, मेरी फैमिली मेरी, तो उनका उनका लड़की का हस्बैंड कहाँ है, उनका हस्बैंड बाहर रहता है विदेश में। अच्छा, मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरी वाइफ है, मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं कहती आके तूने नहीं करा तो मैं तेरे को उल्टा केस करवा दूंगी, तुझे बदनाम कर दूंगी, तेरी वाइफ को, तेरे को गायब करवा दूंगी, मैं क्या करूं, फंसाने की धमकी दे रही है, फंसाने की धमकी, टॉर्चर कर रहे मेरे को, मैं गरीब आदमी हूँ। कोई नहीं परेशान, तुम अभी जॉब पे जा रहे हो? मैं तीन चार दिन से मैंने जाने नहीं दिया है, तीन चार दिन से फोन आ रहा है, वहाँ से फोन कर रहे हैं वो लोग, फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि क्यों नहीं आ रहा है, तो जॉब पे नहीं आएगा, तेरे घर पुलिस भेजो। कोई नहीं, एक काम करो, उन लोगों को यहाँ बुला लो, ठीक है, यहाँ बुला सकते हो ना? मैं बुला दूंगा, यहाँ बुला लो, कैमरा ऑन है, पहले जो भी वो लोग हरकतें करते हैं रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद बताते हैं उनको, ठीक है? प्लीज भैया मेरी कोई नहीं कर दो, बड़ा परेशान हूं मैं, परेशान मत, तो ये माइक रख लो अपने पास। अच्छा, अभी ये यह बैठा है, ये यहाँ बुला रहा है मेरे को, इसका इतना मजाल। हाँ हाँ भाई, क्या बात है, नमस्ते नमस्ते तो छोड़, तू दो दिन से काम पे भी नहीं आ रहा, तू फोन भी नहीं उठा रहा है, क्या बात है? मालकिन मैं आपके पास काम नहीं करूँगा, मेरी और कहीं जॉब लग गया, आप मेरा हिसाब कर दीजिए। हिसाब कर दीजिए मतलब? मैं आपके पास जॉब नहीं करूँगा। क्यों? बैठ के बात कर लो। जॉब नहीं करूँगा क्या, क्या मतलब होता है? जब तो तेरे को करनी पड़ेगी। अरे तुम बैठो ना, तुमको दिक्कत क्या हो रही है ये तो बताओ। मुझे नहीं करनी आप लोगों के पास में जॉब। अरे एक ही रात की क्या परेशानी है तेरे को? आप कैसी बात कर रहे हो मैडम, मेरी फैमिली, मेरे बीवी बच्चे हैं आप। अरे तो हम पैसा दे रहे हैं ना तुम्हें उसके लिए। मुझे नहीं चाहिए पैसे, आप कैसे तेरे बीवी बच्चों के लिए भी हम दे रहे हैं ना। मेरे में तो तुमसे बोलना नहीं जा रहा है, एक ही दिन की तो बात है, तेरे एक दिन के लिए कुछ करा नहीं जा रहा। मुझे हा? नहीं करना आपके पास में, मैं अपनी फैमिली के। तू समझ क्यों नहीं रहा है? बताओ तो क्या इतना पैसा तो तूने जिंदगी में भी नहीं कमा पाएगा। अबे ऐसे करोगे तो ऐसे कैसे होगा ना,
थोड़ी बॉन्डिंग तो बनानी पड़ेगी, तब तुम भी कंफर्टेबल हो जाओगे। मुझे नहीं करना ना ये सब। अरे तो क्यों नहीं करना, अपने बीबी बच्चों के लिए कर लो ना, कम से कम तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे तो उनका भी कुछ हो सकेगा ना। कोई बात नहीं मैडम, मैं दो पैसे कम कमा रहा हूँ, मेरी बीवी बच्चे खुश है मेरे दो पैसों की कमाई देख के। कम पैसों में आजकल बीवी बच्चे खुश नहीं रहते, समझो। मेरी बीवी बच्चे खुश है ना, मतलब तेरे समझ में नहीं आ रहा ना मालकिन, आप प्लीज मैं आपके हाथ, तेरे समझ में नहीं आ रहा, तेरे को इतना पैसा दे रही हूँ, तेरा पूरा जिंदगी तू ऐश करेगा और सिर्फ एक एक दिन के लिए, एक रात के लिए, तब नहीं समझ में आ रहा। नहीं पैसे तुम्हें और चाहिए तो बताओ, मेरी मम्मा देगी तुम्हें पैसे। मुझे नहीं करना आप जो सब कह रहे हो मुझे। तेरे को तो करना तो तेरे को पड़ेगा, तू तो बिल्कुल नहीं जा सकता। मैडम प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ लो, आप मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे नहीं करना, आप मेरे हिसाब कर दो। एक रात की बात है, तू मेरे बहू को प्रेग्नेंट कर दे बस, बाकी तेरे से और कुछ नहीं मांग रहे हम, और उसके लिए लाखों रुपए दे रहे तेरे को। आप कैसी बात कर रही हो, कैसे बात कर रहे, बिल्कुल शर्म नहीं आ रही। किस बात का शर्म है, क्या तेरे को बुरा कर मांगा, मुझे नहीं करना ना, आप इतना फोर्स क्यों कर रहे हो। शादी करने के लिए नहीं तो तेरे क्या, तेरे से शादी करा रहे हैं। एक बात बता, एक रात की बात है, तूने एक रात उसके साथ अगर कुछ कर लेगा तो तेरा क्या जाता है, तेरे को इतना बड़ा रकम दे रही हूँ मैं, तूने तो शायद जन्म में भी ना देखा होगा, तेरा पूरा जिंदगी सुधर जाएगी। करते रहोगे भाई, कब तक ये नौकरों वाले जिंदगी जीते रहोगे। मैं इसी में खुश हूँ, मैं अपने बीवी बच्चों को धोखा नहीं देना चाहता। इसमें धोखे वाली कौन सी बात हो गई, नहीं बोल रही है, काम है ना, काम के पैसे दे रहे हैं तुम्हें। मुझे नहीं करना, आप हाथ हटा के बात करिए आप। अरे जब तुम ऐसे करोगे तो फिर मैडम मैं प्लीज आप हाथ हटा के बात करिए, मैंने एक बार आपको, तुझे कुछ ज्यादा ही नशा चढ़ गया लगता है मुझे तो, तेरा इतना बड़ा हिम्मत है तू मेरे बात को इनकार कर देगा, इतना सालों से तू मेरे घर में नौकरगिरी कर रहा है। तो मालकिन आपने कुछ अच्छी बात बोली होती तो वो चीज को करने के लिए तैयार। बुरा क्या बोला, बुरा क्या बोला, तेरा क्या बिगड़ जाएगा मुझे बता दे। मेरा बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। क्या बिगड़ जाएगा मुझे बता, क्या बिगड़ जाएगा, बताएगा तुम्हारे बीवी बच्चों को, ये कमरे के अंदर की बात है, कमरे के अंदर खत्म हो जाएगी। प्लीज मैं आपके दोनों का आगे हाथ जोड़ लो, मेरा पीछा छोड़ो, आप मेरा हिसाब कर दो मालकिन। मैं तेरा हिसाब नहीं करने वाली, तू जब तक मेरे बहू के साथ सोएगा नहीं, उसको प्रेग्नेंट करेगा नहीं, मैं तेरे को नहीं छोड़ने वाली। आप कैसी बात कर रहे, कैसे बात कर रहे, मैं नहीं कर सकता ये सब, तेरे को करना पड़ेगा, मजबूर कर रहा हूं, तेरे को करना पड़ेगा। अरे तुम्हें पता, तू बच के नहीं जा सकता, वो तो बताओ। रही बीबी बच्चों की तो उनको कौन बताने जा रहा, ना मैं जा रही हूँ ना तुम, बताओ उनको कैसे पता चलेगा। आप अपने पति को धोखा दे सकते हो लेकिन मैं अपनी वाइफ को धोखा नहीं दे सकता। अरे धोखा कैसा, उनकी माँ बैठी है ना, उनके माँ के सामने हो रहा, उनकी माँ की वजह मंदिर से हो रहा, धोखा कैसा। माँ को खुद शर्म नहीं है, माँ खुद करने के लिए बोली है, क्या शर्म आएगी, क्या शर्म आएगी। मेरे बेटे से नहीं चल सकता, तो अगर मेरे को तेरे से कुछ, मेरे को मेरा खानदान अगर मिल जाता है, मेरा वंश मिल जाता है, तो तेरे को क्या बिगड़ रहा है, उसके लिए मैं तेरे को मोटा कीमत दे तो रही हूँ। तो मालकिन आप किसी बच्चे को गोद ले सकते हो, हम गोद नहीं लेना चाहते, हम गोद नहीं लेना चाहते, हम अपने बहू से ही चाहते हैं, तो तू मानेगा नहीं। मैं नहीं करना, तेरे को करना पड़ेगा, तेरे को क्यों समझ में नहीं आ रहा, एक ही रात की तो बात है। मैडम मुझे नहीं करना, आप कैसी बात, तेरे को करना पड़ेगा, तेरे को करना पड़ेगा, तेरे को करना पड़ेगा, तेरे को करना पड़ेगा। आप हाथ लगा रही हो उनको, क्यों, क्या दिक्कत हो गई, क्या दिक्कत हो गई, क्या होता है, क्या दिक्कत, मेरे पति पे हाथ कैसे उठा रही हो। ये मेरे पास काम करता है, काम करता तो ये नहीं कि तुम्हारे पिटेगा ही वो। पिटेगा क्या मतलब होता है, जब उसको एक बात को कहा जा रहा है, इतना बड़ा रकम दे रही हूँ, फिर क्यों नहीं मांगा कोई रकम, मगर हमको काम कराना है। नहीं करेंगे वो, कैसे नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करने देंगे हम, करेंगे करेंगे। दो राजा तुम, तुम्हें शर्म नहीं आती, बता रखा है इनको, साथ लेके आए हो तुम। मैं नहीं बताऊंगा अपनी वाइफ को, मेरे साथ में अगर कुछ गलत होगा तो। अरे तो गलत क्या कर रहे हैं तुम्हारे, गलत क्या कर रहे हैं, दूसरे पति के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए कर रहे हैं, वो गलत नहीं है। कोई क्या सारा जिंदगी के लिए कर रहे हैं, एक दिन की बात है, इसमें क्या हो जाएगा। अच्छा एक दिन की बात है, इसमें क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बता, क्या हो जाएगा। तुमने भी यही करा होगा लग रहा है, इतना पैसा जिंदगी में देखा नहीं होगा जितना देने वाली हूँ मैं तुम लोगों को। इतने पैसे की, मैं दो पैसे कमा रहा हूँ, मैं बहुत कम कमा रहा हूँ। नहीं मुझे कोई बात नहीं करनी है, आप लोग यहाँ पर काम कर रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करवाओगे। अरे ये भी तो एक काम ही है ना। नहीं ये काम नहीं करवाना है मेरे को,
ये हम डिसाइड करेंगे ना क्या करवाना है क्या नहीं करवाना है। अच्छा, काम कराने के लिए पति को भेजे हो, ऐसे कोई डिसाइड नहीं कर सकते हो तुम। जब मेरे पास नौकरी करता है तो जो बोलूंगा उसको करना पड़ेगा। ऐसे कैसे कर, मतलब कि तुम जो बोलोगे वो करना पड़ेगा, ऐसे तुम किसी के साथ सुला दोगे उन्हें? तो क्या जिंदगी भर के लिए सो रहा है? एक ही दिन एक ही रात की बात है। पति है वो मेरा, तुम्हारे यहाँ पर कोई मजदूर? तो तेरा पति तेरा ही रहेगा, तेरे पास ही रहेगा, हमारे पास नहीं रह रहा। क्यों रहे? एक ही रात की बात है, समझ ले अच्छी तरह से। मैडम मुझे नहीं करना। अरे हटो पहले, अरे आराम से बात करो, ठंडी हो जाओ, ठीक है? ठंडी हो जाओ, मत दिखाओ, मेरी सास की रिस्पेक्ट करो, ठीक है? बड़ी तुम से प्यार से बोल रही है वो मेरे पति को तुम्हारे साथ सोने के लिए कह दिया, मैं उनके चेक करूंगी। अरे तो उसके वो तुम्हें पैसे दे। तो कितना दिन सोना है एक ही रात के लिए? तो बोल रही हूँ मैं, ऐसा पैसे नहीं चाहिए मेरे को। पैसे के लिए काम करने आया ना, हम तो इतना पैसा दे रहे कि तुम लोग को पूरा जिंदगी बैठ कर खाएगी पैसे की। मैडम आपको शर्म आनी चाहिए, आप अपनी बहू से आप मेरे को गलत काम करने के लिए। किस बात का शर्म? क्या शर्म? क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तेरे को घर में रख रहे हैं हम? क्या ब्याह करा रहे हैं उसके साथ में जो शर्म आएगी? आप कह रहे हो मेरी बहू को प्रेगनेंट कर दो, आप कहीं से भी तो बच्चा गोद ले सकते हो। हमने नहीं लेना बच्चा गोद, हम अपने बहू से चाहते हैं। फिर अरे अगर हमने बच्चे, तेरे को क्या दिक्कत है? तो आप मेरे पति के पीछे क्यों पड़ी हो? और किसी को भी देख लो आप, ये हमारा घर में बहुत पुराना काम करता है, ये सब जानता है, ठीक है? और किसी को ऐसे सड़क से पकड़ के लाएंगे? वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे? करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो नहीं करना पड़ेगा। मेरा पति ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। करेगा? नहीं करेंगे। करेगा, हम देखेंगे कैसे नहीं करता। देख लेना तुम भी। हाँ नहीं करेंगे। करेगा? नहीं करेंगे। करना पड़ेगा। नहीं करेंगे। अब मैं कह रही हूँ करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। तुम रोक के दिखाओ और हम करवा के दिखाएंगे। मैं रोक लूंगी। हाँ रोको, लेकिन आपको मना कर दे 10 बार, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। क्या करवा लोगे आप? ये मेरे पति को तुम कौन हो? तुम कौन हो? क्या करवा लोगे आप? तुम्हें किसने बुलाया? क्या करवा लोगे? ये मेरा घर का मामला है, मेरा बहू है, ये मेरा घर का नौकर है। घर का नौकर है, घर का बेटा नहीं है, ठीक है? नहीं बेटा नहीं है मेरा। आपको सर मैं आपका पति है, उसके बाद भी आप क्या बोल रहे हो? मैं कोई ये पीठ पीछा नहीं कर रही हूँ, मेरी सास सब जानती है, ठीक है? वही करवा रही है। अब अपने आपको दिखा दो, बहुत घमंड है पैसे का, बहुत वो है। घमंड की क्या बात है, इन लोगों को पैसे की जरूरत नहीं है? नहीं है।